श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथानुतं तं सदेवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मुकम करोति वाचलं पंगुलं हैते गिरिं जत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं श्री गुरुदीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरं। तो आमरा परशु श्रीमती राधाराणी सम्पर्के आलोचना करेछिलाम। तो से सम्पर्के आमरा राधाराणीर स्वरूप सम्पर्के श्रवण करलाम। राधाराणी किभावे भगवानेर चित्शक्ति तार हादिनीर मूर्त विग्रह हादिनीर परिणति आमरा श्रवण करलाम। हादिनी सार हच्छे प्रेम, प्रेमेर सार भाव, भावेर पराकाष्ठा महाभाव, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुराणी। तो आज के आमरा श्रवण करब राधाराणी कृष्ण प्रति जो प्रेम से की रकम। तो राधाराणी तो हे हमारा श्रवण कर प्रेम दिए तैरी सब किछु कृष्ण प्रेमे विभावित। तो सेटा की रकम प्रेम सेटा कृष्णदास कविराज गोस्वामी आलोचना करछेन। तिनि बोलछेन जे अत्यंत निगूढ़ रसेर सिद्धांत ये समस्त विषय अत्यंत निगूढ़ गूढ़ तत्व ये रसेर सिद्धांत श्रुतिशास्त्रे जे भगवान के परम ब्रह्म के रसवई सह बोले बला है किंतु क्यों बुझे ना कि रसवई सह। तो महाप्रभु ऐसे तो सेटा के प्रकाश करेछेन विशेषकर श्रील रूप गोस्वामी माध्यम ताके रसाचार्य रूप गोस्वामी के बला है। तो महाप्रभु जो कृष्ण महाप्रभु रहे इच्छेन तार अंतरंग पार्षद ललिता विशाखा रूपमंजरी समर्थारा एसेछेन तार ऐसे तत्व के प्रकाश करेछेन। तो रूप गोसाई मात्र जाने ना एकांत ये अत्यंत निगूढ़ ये रसेर सिद्धांत। तो श्रील रूप गोस्वामी एटाके भालोभाबे जानेन। आर के जाने ना जेबा केह अन्य जाने सेह ता हईते और जारा तार काछ थेके शुनेछे ताराओ जानते पारे। चैतन्य गोस्वामी तेह अत्यंत मर्म जाते जेहेतु स्वरूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु अत्यंत अंतरंग पार्षद छिले। चैतन्य गोस्वामी तेह तेह मान स्वरूप दामोदर अत्यंत मर्म जाते तीन खूब अंतरंग भक्त छिले। तो प्रथम गोपीदेर प्रेमेर कथा वर्णना कर गोपीगणेर प्रेमेर रूढ़ भाव नाम गोपीदेर जो प्रेम भगवान प्रति ताके बोले रूढ़ रूढ़ और अधिरूढ़ महाभाव छिल रूढ़ और अधिरूढ़। तो ये रूढ़ माने एखान प्रभुपाद बोलछेन जे गोपिकादेर कृष्ण प्रति अप्राकृत प्रेम से प्रेम तार जो आवेग प्रेमेर आवेग ताके बोला जे रूढ़ सेटा कि रकम ना विशुद्ध निर्मल प्रेम कभू नहे काम एटाके भालो करे बुझते हबे। गोपीदेर कृष्णेर प्रति जे भालोबासा सेटा प्रेम और आमादेर परस्पर प्रति जे भालोबासा सेटा जे काम आमादेर बाबार प्रति मार प्रति छेलेर प्रति बौर प्रति देशेर प्रति जातिर प्रति ये सब काम केन एटी काम और केन सेटा प्रेम एटा एइजोन्नो काम आमादेर जगते जाके आमरा जत भालोबासी ना केन तार पेछने किछु बासना चरितार्थेर लक्ष्य थाके आत्म इंद्रिय प्रीति बांछा निजेर इंद्रिय प्रीति विधानेर इच्छा थाके बांछा माने इच्छा ताई तारे बोले काम। कृष्णेन्द्र प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम एटा हच्छे पार्थक्य। तो भौतिक जगते कोनो प्रेम नहीं शुधु काम काम केन जाके आमरा भालोबासी तार काछ थेके पावार बासना थाके। प्रभुपाद बोलछेन भौतिक जगते प्रेम भालो प्रेम नहीं से विशुद्ध प्रेम नहीं किंतु भौतिक जगते छेले में बाबा माँ स्वामी स्त्री ये जे प्रेम भालोबासा भौतिक स्तरे सब थेके मार भौतिक स्तरे शुद्ध होच्छे मार संगे भालोबासा। माँ जे शिशु के भालोबासे तो से तार समतुलार ए भौतिक स्तरे किछु है ना केना ना तार शिशुर आनंदे मार आनंद है माँ अन्य कोनो किछु अपेक्षा राखे ना। तो प्रभुपाद बोलछेन मार प्रेम होच्छे शुद्ध भौतिक स्तरे किन्तु चिन्मय स्तरेर मतन नय। तखन बोला होच्छे जे विशुद्ध निर्मल प्रेम महाप्रभु ये जगते कि जन एसेछेन बोला होच्छे अनर्पित चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल उज्ज्वल ये शुद्ध निर्मल प्रेम कभू नहे काम एटा काम नय कि रकम पार्थक्य बहु पार्थक्य आछे। काम और प्रेमेर मध्य पार्थक्य निरूपण करे बोला होच्छे दोहांकार विभिन्न लक्षण काम और प्रेमेर पार्थक्य कि रकम लह और हेम जाइछे स्वरूपे विलक्षण एटा लोहा एटा सोना दुटोई धातु लोहाटा एक धातु सोनाटा एक धातु तार मध्य स्वरूपेर मध्य कि आछे विलक्षण रही माने बहु पार्थक्य रही। ठीक सेई रकम काम और प्रेम ए दुइर मध्य बहु पार्थक्य रही। कखन कखन कृष्णेर प्रति शुद्ध प्रेम के काम बोलेओ कखन आख्यायित करा हयेछे। तो कृष्णेर प्रति भालोबासाटा जे काम सेटाके बोला होच्छे एमन उद्धव चाइछे प्रेमा एव गोपरमानां कामः इति अगमत प्रथाम ए प्रथा रही जे गोपीदेर ब्रजगोपिकादेर गोप्यरमानां कामः इति अगमत एटा काम बोले बोले सबाई किन्तु सेई रकम काम उद्धव आदयः इति उद्धव उद्धव इत्यादि एतम वांछन्ति भगवत प्रिया परमेश्वर भगवान जो प्रिय भक्त उद्धव ताराओ चाय कि भगवान प्रति ए रकम अनाबिल प्रेम भाव हृदय जाग्रत है। तो ये प्रेमटी की रकम भगवान प्रति भक्तर प्रेमटी की रकम ना प्रेमेर लक्षण वर्णना करा है। जगते जे रकम क्यों काउ के भालोबासे किछु दिले भालोबासबे ना दिले बास। एटा शिशु तुम्हें चिने ना जाने ना, चॉकलेट दाओ से तुम्हार पिछन पिछन दौड़ाबे। तुम्हें जो तार सुखेर जो किछु करलो ना ताले बास, हाँ मगे तलाक 3 तलाक दे देबे संगे संगे। आमार जन किछु करछे ना, किन्तु भौतिक आधाते 3 तलाक नहीं, सेखाने स्पिरिचुअल 3 तलाक नहीं। सेखाने बरंच बोला हच्छे जे सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यापि ध्वंस कारणे, माने ध्वंसर कारण उदित हलेओ दंपति द्वयर जे दृढ़ बंधन प्रेमिक प्रेमिका प्रेमास्पद व्यक्ति जाके आमरा भालोबासी, आमादेर प्रेम भालोबासार मध्य यदि किछु किछु घटना घटे से ध्वंसर कारण है। तो से दंपति जे सुदृढ़ भावबंधन से कोनो प्रकार ध्वंस हबे ना। ध्वंसर कारण थाकलेओ बंधनेर ध्वंसर कारण थाकलेओ से कोनो मते ध्वंस हबे ना। से परस्पर प्रति अत भालोबासा से ध्वंसर कारण थाकलेओ ध्वंस हबे ना। जत भावबंधनं यून स प्रेम परिकृतितः, ताके भला है प्रेम। प्रेमेर दुटो डेफिनेशन बला है, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांसा धरे प्रेम नाम। कृष्ण प्रीति विधान जन्य जे इच्छा ताके बोले प्रेम। आबार प्रेमेर डेफिनेशन बन्ना करा है शास्त्रे विशुद्ध प्रेमेर कथा बला है यूनस प्रेमा परिकृतितः। एटा है प्रेम। कोनटा प्रेम ना सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणम। आमार भालोबासार पिछने ध्वंसर कारण थाकलेओ से आमार भालोबासा ध्वंस हबे ना। एई रकम भगवान के भालोबासे मानुष भगवान के भालोबासे, भगवान के पूजा करे श्रद्धा करे। भगवान धनम देहि जनम देहि जशम देहि, ए भगवान ना दिले चलो अन्य भगवान काछे जाई ना। किन्तु एखाने से दिबे कि, से देवा तो दूरे थाकुक, से जो आमाके प्रत्याख्यान करे पदाघाता करे आश्लेषवा पदारतां पिनष्टमां अदर्शनात् मर्महत करतुबा। आमाके दर्शन ना दिए मर्महत करुक, तार चरण कमले मर्दन करुक। आश्लेषवा पदारतां पिनष्टमां अदर्शनात् मर्महत करतुबा यथा तथा वा विदधातु। से जेई भावे राखुक सेई एकमात्र आमार प्रभु स्वामी। ब्रज गोपिकादेर एरकम भाव छिलो, रासलीला कृष्ण ताके छेड़े चले गेल, कत कष्ट दिल। वृंदावन अत भालोबासा, किन्तु कृष्ण मथुरा चले गेल, द्वारका चले गेल। तो प्रेमेर ध्वंसर कत कारण, किन्तु प्रेम जखन आसल प्रेमटा कि हबे, जत ध्वंसर कारण थाकबे तार प्रेम आर घनीभूत हबे आर बाड़बे। ब्रज गोपिकादेर प्रेम कृष्ण प्रति आरो बेशी है। तो सेखाने बला है ध्वंसर कारण उदित हलेओ दंपति द्वयर जे सुदृढ़ बंधन कोनो प्रकार ध्वंस है ना, ताके बोले प्रेम। तो प्रधान गोपीरा एई रकम विशुद्ध प्रेम द्वारा कृष्णर संगे तारा सुदृढ़ भावे आबद्ध छिलो। तादेर प्रेम टिकी कि रकम छिलो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब कुछ परित्याग करें। इंद्रिय सुख भोगर बासनाजात कोनो रकम काम तादेर छिलो ना। आमी भोग करब, कृष्णर सेवा करे आमी किछु आनंद पाब, ये सुंदर व्याख्या पर सुन कृष्ण सेवा कर आनंद पाव ना আমি কি জন্য এখানে এসেছি আমি তো এসেছি কৃষ্ণ সেবাকের আনন্দ পাওয়ার জন্য না সেটা লক্ষ্য নয় আমার ভগবানের ভক্ত হয়ে গেলাম আরে ভগবানকে পূজা করছি কেন এত বিপদ আসছে আমার জীবনে ছেলে পরীক্ষা ফেল হয়ে যাচ্ছে আমার চাকরি চলে গেল এ হয়ে গেল সে গেল তো ভগবান ভক্ত হয়ে কি লাভ এইটুকুই তো আমার অধৈর্য হয়ে পড়ি কিন্তু এখানে কি বলা হচ্ছে যে এই রকম কোনো প্রকার বাসনা নাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য কি ছিল না ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা বিবেচনা না করে সর্বতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করা নিজের দুঃখকে সে গণনা করবে না নিজের দুঃখটা যখন কৃষ্ণকে আনন্দ দেবে সেটা তার আনন্দটা হচ্ছে কৃষ্ণের আনন্দ तारा परमेश्वर भगवान कृष्णर सन्तुष्टि विधानर जन्य सर्वतोभावे निजेके उत्सर्ग करेछेन कृष्ण प्रति ब्रजगोपिकादेर जे प्रेम एइभावे तार मध्ये कोनो काम नेई इंद्रिय तृप्तिर बासना नेई तो ताई बोला हच्छे कामेर तात्पर्यटा कि कामटा कि कामेर तात्पर्य हच्छे निज सम्भोग केवल आमार सम्भोग आमार सुख आमार प्रतिविधान এই জন্য তোমাকে ভালোবাসা কিন্তু প্রেমটা কি রকম না কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্যময় সেবা যে সেবার মধ্যে আমার লক্ষ্য শুধু কৃষ্ণকেই সুখ দেব কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য মাত্র প্রেমত প্রবল জয় শ্রী রাধা মাধব কি तो यही प्रेम हे अत्यंत प्रबल तो सुन भलो करे ये कृष्ण प्रेम टी रकम ना चैतन्य चरितमृत रचयिता प्रामाणिक शास्त्र सम्मत के उल्लेख कर देखिए दिएछेन जे काम हे आत्मेन्द्रिय प्रतिबासना निज इंद्र प्रतिबासनटा कत सुदूर प्रसारित আমরা তো মনে করি আমার इंद्र प्रति मान कि আমি এটা রসগোল্লা খেলাম আমি সিনেমা দেখালাম এইটুকুর মধ্যে ইন্দ্র প্রীতি বিধান সীমিত নয় ইন্দ্র প্রীতির মধ্যে আর কি রয়েছে না আমি কিছু কাজ করব জগতের কল্যাণ হবে লোক আমার প্রশংসা করবে বাহ কত জনহিতকর মানুষ এটা হচ্ছে ইন্দ্র প্রীতি লোক মনে করতে পারে নিঃস্বার্থপরভাবে সমাজের সেবা করছে কিন্তু শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে यार मध्य स्वार्थ रहे कि स्वार्थ रहे ना जनप्रियता लोकर आमाके भालोबास जनप्रिय हये उठब अनेक समाज कल्याण काज करब लोकेदेर साहाज्य करब ए जनप्रियता एटा हच्छे काम बाहिर जगते सब बोला जाबे ना तोर भक्त आछे बोले आमि बोलछि खोले हाँ एटा निकृष्ट कारण पुरो संस्था गढ़े उठछे ए जनकल्याण सेवार निये सेखाने खाने काम और कि सन्तान सन्तति लाभर जन प्रयास एटा हच्छे काम छेले मेये हबे काम और ऐश्वर्य प्रति प्रवृत्ति बासना चरितार्थ करबार उद्देश्य जे समस्त चेष्टा ऐश्वर्य पाब टाका पैसा पाब धन सम्पद पाब चोरी करब ठकाब अधर्मे करब धन सम्पद करब अरे चोरी करे ठकिए अधर्मे के धन सम्पद उपार्जन कथा दूरे थाकुक केउ यदि सत्मार्गे वेद विधि विधान मेने उपार्जन करे सेटाओ काम धर्म मार्गे यदि को उपार्जन करे सेटाओ काम सेगुली आत्मेन्द्रिय तृप्तिर विभिन्न स्तर संकुचित और प्रसारित संकुचित स्वार्थपरता और प्रसारित स्वार्थपरता संकुचित स्वार्थपरता है आमा आमी प्रसारित स्वार्थपरता है आमार संकुचित स्वार्थपरता है आमी कत पाब प्रसारित स्वार्थपरता है आमार घर कत पाबे आमार जाति कत पाबे आमार देश कत पाबे आमार परिवार कत पाबे ये प्रसारित स्वार्थपरता प्रभुपाद वर्णना करछेन आर कोनटा হচ্ছে কাম না জনসেবা, জাতীয়তাবোধ কাম, ধর্মাচরণ করাটা কাম, পরার্থবাদ কাম, নীতিবোধ নৈতিক নীতি নিয়ম পালন করা কাম, শাস্ত্র নির্দেশ स्वास्थ्य रक्षा सकाम कर्म लज्जा धैर्य व्यक्तिगत सुख स्वच्छंद जड़ सब काम तो यहीटुकु काम नए मुक्ति पावाटाओ काम जड़ बंधन थेके मुक्ति पावार जे बासना सेटा जे बड़ काम प्रभुपाद बोलछेन कर्मी जारा तारा तो कर्मबंधने पड़े आछे तारा भोग करते चाय भोगी किन्तु मुक्तिकामी जारा तारा बड़ भोगी केन बड़ भोगी ना मुक्तिकामी जारा तारा भगवान संग एक हो जाते चाय प्रभुपाद यारा बड़ भोगी केन ना जारा कर्मी तारा छोट भोगी कष्ट करे काज टाज करे भोग करते एरा कि बड़ भोगी केन एरा थाय जे एई छोटखाट भोग हबे ना आमी भगवान हये जाबो ताहले भालो करे भोग करबो सेखाने प्रभुपाद बोलछेन भगवान संग एक हये जाबो लीन हये जाबो ताहले बास भगवानेर मतो भोग करबो तो भुक्तिकामी थेके मुक्तिकामी और बड़ भोगी प्रभुपादेर वर्णना अनुसारे तो सेखाने बोला हच्छे मुक्ति मुक्ति ओटा काम प्रगति जीवनेर प्रगति हच्छे काम आत्मीय स्वजनेर प्रति स्नेह ममता हवा काम अथवा समाजच्युत हवार भय अथवा आईनेर द्वारा दंडभोग करवार भय प्रवृत्ति आचरणे इंद्र तर्पणेर क्रियाकलाप अनुष्ठित होते पारे तो किन्तु प्रकृत पक्षे ये सब हे इंद्रिय भोगर भिन्न भिन्न स्तर कोनटा स्थूल कोनटा सूक्ष्म तो सबटाई इंद्रिय तर्पणेर एक एकटा स्तर ताई बला हच्छे एई समस्त तथाकथित सत्कर्म आपातदृष्टिते मने एगुलो सत्कर्म धर्म कर दान कर समाज सेवा कर मुक्तिर जन चेष्टा कर शास्त्र अध्ययन कर किंतु एलो आपात बुद्धि देखा जाए सत्कर्म तो तथाकथित तो सत्कर्म साधित है निजेर इंद्रिय सुख भोगेर उद्देश्य एगुलो केन करछे ना इंद्रिय सुखेर जन्य सेजन्य भागवतेर प्रारम्भे कि बोलछे धर्म प्रज्जित माने धर्म अर्थ काम प्रज्जित मोक्ष धर्म प्रज्जित कैतवत्र परम निमत्सरणां सतां केनटा चिटिंग एई धर्मटा चिटिंगबाज केन चिटिंगबाज ना धर्म करले अर्थ पाब सारा जगत जे अर्थ धर्म करे पृथ्वीते धर्म नामे जत किछु चले भागवते कहे सब परिपूर्ण छले ता छल धर्म एटा आसल धर्म नय तथाकथित धर्म केनना एटाते कि आछे ए धर्म करछे केनना अर्थर जन्य अर्थ करले कामना चरितार्थ हबे एइजन्य एटा छल धर्म तो से कथा बोला एई समस्त तथाकथित सत्कर्म साधित हय निजेर इंद्रिय सुख भोगेर उद्देश्य केनना ये समस्त नीति और धर्म अनुशीलनेर समय कोई तार व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग करते पारे ना ये सब किछुर मतन व्यक्तिगत स्वार्थ रयेछे किन्तु ये सबेर ऊर्ध्वे आल्ट अप्राकृत स्तर रयेछे चिन्मय स्तर रयेछे दिव्य स्तर रयेछे जेई स्तरे जीव निजेके एकमात्र केवल परमेश्वर भगवानेर दास बोले मने करे आमी प्रभु नई आमी नियंत्रणकर्ता नई आमी दास आमी कार दास ना महापुरुष बोलते कृष्ण दास नहीं गोपी भर्तु पदकमलेर दास दासानुदास हम तो भक्तर भाव नियंत्रण करब आमी प्रभु प्रभु है नियंत्रण कर सब सारा जगतेर मानुष मन कर कि आमी प्रभु हब नियंत्रण करब ताहले आमार एकटा किछु आनंद किन्तु नियंत्रणेर द्वारा आनंद हय ना नियंत्रित हले आर बेशी आनंद हय ताई भगवान जे अनंत कोटि ब्रह्मांडके नियंत्रण करछेन তিনি আনন্দ পাচ্ছে কোথায়? যখন ভক্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাই তিনি স্বীকার করেছেন এই নিয়ন্ত্রণ। অহং ভক্ত পরাধীনই অস্বতন্ত্র বদ্যুজ সাধবিগ্রস্ত হৃদয় ভক্তের ভক্ত জনপ্রিয়। আমার ভক্ত আমার তার হৃদয় আমাকে আরেস্ট করে রেখেছে, ভগবান হতে বেশি আনন্দ। তিনি সারা জগতের নিয়ন্ত্রণকর্তা, তিনি সাগার সারা জগতের বস প্রভু। প্রভু হয়েও তার স্বাদ মেটে না, তিনি ভগবান হয়েও তার স্বাদ মেটে না। তাই তিনি কি হয়েছেন? ভক্ত হয়েছেন। কী রূপে ভক্ত হয়েছেন? কী রূপে ভক্ত হয়েছেন? ভগবান কী রূপে ভক্ত হয়েছে? হ্যাঁ, কী রূপে ভক্ত হয়েছে? চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্ত হয়েছে। হ্যাঁ, যেহেতু ভগবান হয় ওনার স্বাদ মেটে না, ভগবান হয় উনি মনে করছেন আমার লস হয়ে গেছে। তাহলে ভগবানকে সবাই গোপিয়া খুব সেবা করছে, সেবা করে ভগবান দেখছে, এই তার মুখ দেখে খুব তো আনন্দ পাচ্ছে। এরা মুখ দেখলে বোঝা যাবে না, যেটা কাউকে করলা খেতে দেবে, নিম পাতা দেবে, মুখটা কীরকম হে 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 এরকম হয়ে যাবে। রসগোল্লা দিলে হা কি সুন্দর। তো কৃষ্ণ ভগবান গোপীদের মুখ দেখে বুঝতে পারছে এরা বেশি আনন্দ পাচ্ছে। কৃষ্ণ চিন্তা করছে আরে বাপ, আমি তো ভগবানের লাভটাকে আমার লস হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমার তো কোটি গুণ এরা আনন্দ পাচ্ছে, তো আমি তাহলে ভক্ত হয়ে জন্ম লাভ করি। তো সে কথা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে যে স্তরে জীব নিজেকে কেবল পরমেশ্বর ভগবান নিত্য সেবক বলেই মনে করে, সেই সেবার ভাবযুক্ত হয় যে সকল কার্য সম্পাদিত হচ্ছে তা হচ্ছে বিশুদ্ধ প্রেম। কারণ তা একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণের তুষ্টি বিধান। আমার সমস্যা, আমার সুখের বিচার নেই, দুঃখের বিচার নেই, কিন্তু ফলভোগ লাভ করার উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্দ্রিয় প্রীতি সাধন। একটু স্থূলভাবে হোক বা সূক্ষ্মভাবে হোক এইভাবে হচ্ছে। তো এখানে বলা হচ্ছে যে ভক্ত সে কোনো ধর্ম অধর্মের বিচার করে না। আমার ধর্ম করলে ভালো, অধর্ম করলে খারাপ, কিন্তু কৃষ্ণের জন্য ধর্মটাও ভালো অধর্মটাও ভালো। কৃষ্ণের সেবার জন্য, কৃষ্ণ সুখের জন্য পাপটাও ভালো পুণ্যটাও ভালো। তাই বলা আছে ন ধর্মম ন অধর্মম শ্রুতিগণ নিরুক্তং কিল কুরু। শ্রুতিগণ শ্রুতিশাস্ত্রে ধর্ম অধর্মের বহু ব্যাখ্যা বিচার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার প্রতি বিক্ষেপ না রেখে ভক্ত কী করবে? ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রচুর পরিচর্যা ইহতন। তার শরীরকে ব্রজভূমিতে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্যায় তাই নিযুক্ত করবে। তো ভগবদ্গীতার যে শেষ শ্লোক সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য, সব ধর্মকে পরিত্যাগ কর। কী রকম সব ধর্মকে পরিত্যাগ কর? ব্রজগোপিকারা কী রকম সব ধর্মকে পরিত্যাগ করেছিলেন? না লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম, কর্ম, লজ্জা, ধৈর্য, বহু দেহ সুখ, আত্মসুখ মর্ম। বুঝতে চেষ্টা করো ভালো করে যে লোকধর্ম কিছু কার্যকলাপ হলো যাতে লোকনিন্দা করবে, তার কোনো ভূক্ষেপে নেই। বেদধর্ম কিছু কার্যক্রম করবে, সে বেদের নীতি নিয়মকে ভঙ্গ করছে, কোনো চিন্তা নেই। দেহধর্ম দেহের সুখ দুঃখের বিচার নেই, দেহের ধর্মটা কি? ভোগ আর ত্যাগ। লজ্জা নাই, ভগবানকে তার লজ্জা নাই, কে কি দেখছে, কি কি বলছে, কে নিন্দা করছে, কে স্তুতি করছে, কোনো লজ্জা নাই। ধৈর্য, দেহ সুখ, আত্মসুখ, দুস্তেজ্য, আর্যপথ, আর্যদের যে কার্যকলাপের যে রাস্তা প্রবর্তন হয়েছে সে সমস্ত দুস্তেজ্য, তাকে ত্যাগ করা বহু কঠিন। যে কথা ভগবান কৃষ্ণ বলছেন মা ভজন দুর্জয় গৃহশৃঙ্খলা, আমাকে ভজন করবার জন্য তুমি দুর্জয়, তাকে জয় করা খুব মুশকিল। দুস্তেজ্য আর্যপথ। আর নিজ পরিজন, নিজের পরিজনকে ত্যাগ করেছে। আর কি করছে? সজনে করে যত তাড়না ভর্সন। কৃষ্ণ ভক্ত হলে बाड़ी लोकरा कि ना हैरानी करे कि ना गालागाली दे कि ना निंदा करे कि ना भर्सना करे। कल के माताजी हमारे काছে এসেছে বিদ্যানগর থেকে बीए पास করেছে এজুকেশন ট্রেনিং স্কুল टीचर छिलो वो ছোটবেলা থেকে गोपाल রাখতো गोपाल खूब गोपाल गोपाल ছাড়া থাকতে পারবে না। तो विवाह करार पर तार स्वामी तुम गोपाल क्या रेखे तुम्हें तार को सन्तान है ना बोलते गोपाल टाके रेखे बोले तुम्हारे छेले टेले हे ना तो ये तार स्वामी के छेड़े दिए बाबार बाड़ीते आछे। तो एक कथा बोलछे हाँ कृष्ण भक्तिर लक्षण एटाई स्वजने करे जो ताड़ना भर्सना कत प्रकार भर्सना आमादेर कंग्रेगेशन भक्त देखो स्त्री भक्त तो स्वामी भक्त नहीं स्वामी भक्त स्त्री भक्त नहीं कत लांछना कत ताड़ना कत निर्यातना सह्य करता है। किंतु शास्त्र वर्णना करा यही प्रकार भक्त जत निर्यातना जत लांछना सह्य कर भगवत भक्ति करी जो भगवान का क्षमा फिरे जाए। तो भगवान अत दयालु अत कृतज्ञ भगवान खूब कृतज्ञ आमादेर मतन कृतज्ञ नय सब किछु आमादेर कृष्णर प्रति कृष्ण भक्ति करते जा कुछ बाधा विघ्न हमारा सह्य करते कृष्ण सब तालिका लेखे रखे। तो जखन भक्त भगवान का पहुँचाए से खोले पड़े हे आमार प्रिय भक्त तुम्हें आमार जन कत रात्र अनिद्रा होइछ कत लांछित होइछ कत निष्पेषित होइछ कत निर्यातित होइछ आमी तार परिवर्ते तुम्हें आर कि देते पारी किछु चिंता करबे तुम्हें आमार जन अत करेछ तुम्हें आमी स्वर्ग सुख देब देवे कि ना स्वर्ग सुख देवे हाँ कि ना तर घुमाच ना सुना सुनछ जे भक्त कृष्ण जन अत किछु करबे ताके स्वर्ग सुख देवे कि ना हाँ कृष्ण स्वर्ग सुख कथा बोलबे तोमाके स्वर्ग सुख दिए देव। तर किछु समय पर कृष्ण मुखटा नीचु करबे खूब लज्जित हबे कृष्ण लज्जित हबे हाय आमी कि चिंता करछि एई भक्तके आमी स्वर्ग सुख देवार कथा चिंता करछि एटा लज्जार ब्यापार एकटा ठीक तोमाके आमी मुक्ति दिए देव तुम्हें अत करेছো मुक्ति दिए देव आबार कि लज्जार ব্যাপার अत करेছো मुक्ति दिए देव और सब एटा देव सेटा देव सेटा देव करे करे बोलबे तोमाके कि देव आमी कोनो खोजे पाচ্ছি না चीज़े देव खोजे पाচ্ছে না তাই হে আমার প্রিয় ভক্ত আমি তোমাকে দেওয়ার মতন কিছু নেই তে আমি আমাকে তোমার হাতে দিলাম। তো কোন ভক্তকে দেবে না যারা এই রকম লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম লজ্জা ধৈর্য দেহ সুখ আত্মসুখ মর্ম দুশ্চর্য আর্যপথ নিজ পরিজন সজনে করে যত তাড়ন ভর্ষণ सब त्याग करी करे कृष्णर भजन ये सब कुछ त्याग करे से कृष्णर भजन करवे हरि भजन करवे कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन ये प्रेम दिए प्रेम भाव दिए भालोबासा दिए कृष्ण सुख का तात्पर्यमय सेवाए से निजुक्त थाकबे। तो से कथा भगवान निजे बोलछेन जे इहा के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग एटा के बोला कृष्ण दृढ़ अनुराग रही है निजर दुख के दुख बोले मना करछे ना पाप पुण्यर विचार करछे ना धर्म धर्म विचार करछे ना आर्यपथर विचार करछे ना भर्त्सना विचार करछे ना लज्जा विचार करछे ना कोनो किछु विचार करछे ना। ठीक जे रकम स्वच्छ धौत वस्त्र जैसे नाही कोनो दाग सादा वस्त्र मध्य जन को दाग थाके ना ये शुद्ध भक्ति से रकम की रकम ना स्वसुख वासना शून्य मुक्ति वासना गंध शून्य कृष्ण सुख एक तात्पर्यमय सेवा स्वसुख वासना नहीं मुक्ति प्राप्तिर गंध नहीं कृष्ण सुख एकमात्र तात्पर्य से ही प्रकार जे सेवा। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतरा काम और प्रेमर मध्य बहुत अंतर आछे कृष्ण प्रेम और आमादेर जड़ जगतेर भालोबासार काम काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर काम होच्छे अंध अंधकार और प्रेम की निर्मल भास्कर शुद्ध प्रेम। अतएव गोपीगणेर नाही कामगंध गोपीगणेर एरकम कामगंध नहीं कि आछे कृष्ण संगे तर सम्पर्क किसर जन्य ना कृष्ण सुख लागी मात्र एकमत कृष्णर सुखर जन्य कृष्ण से सम्बन्ध कृष्णर संगे तर सम्पर्क एकमात्र उद्देश्य हे कृष्णर प्रीतिविधान करा। ताई जखन सारा दिन गोचारण करे कृष्ण फिर आसछेन भागवत बर्णनाकर बला हे ब्रजगोपिकार बोलछेन जत्ते सुजात चरणाम्भुज रुहस्तनेषु भीतासनै प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेन अटवीम अटसी तद्व्यथयते न किंचित् कुर्पादिभिर्भ्रमति धीभि भवतायुषनः। तर बोलछे कृष्ण के हे प्रिय तुम्हार सुकमल चरण कमल आघात प्राप्त हबे तुम्हार चरण कमल सुजात चरण अम्बुरुह अम्बु माने जल अम्बुरुह माने पद्म जे जल थे है सुजात अत्यंत सुकुमार अत्यंत कोमल सुजान सुजात चरण अम्बुरुह तुम्हार चरण कमल हमरा की करी तेना अटसी व्यथते तत् व्यथते तुम्हें सारा दिन जंगले जाओ गोचारणे तो कुरपादी भी सेखाने छोटो छोटो पाथर कुचिया छे तुम्हारा पाए हाथ लगी गए छे तुम्हार व्यथते तुम्हारा पा तत् व्यथते तुम्हार पा व्यथा पाच्छे तुम हमरा की करी तुम जन घरे फिरे आस हमरा की करी स्तनेषु भीतासनै प्रिय हे प्रिय स्तनेषु भीतासनै दधिमहि हमरा स्थापन करी तुम्हार से सुकुमल चरण कमल के आमदर कर्कश बक्षे हमरा धारण करी स्तनेषु स्तनर पर स्थापन करी बक्षे धारण करी अत्यंत भयभीत है तुम्हार चरण कमल आघात पावे ना तो ताई बलाहत से खाने तद बतते तंकिंस्वित तो धी भवत आयु आयुषांग नह तो तुम्हें आमादर जीवन आयुष तुम्हें आमादर आयु तुम्हें नह मन आमादर आमादर जीवन हे प्रिय तुम्हार सुकुमल चरण कमल आघात पावे यही आशाय ता आमरा आमादर कर्कश स्तने अत्यंत सन्तर्पणे धारण करी तुम्हें आमादर जीवन स्वरूप ताई बनाचरणे बन बन विचरण काले पाथर कुचिर आघाते तुम्हार सुकुमल चरण कमल आघात होते पारे ये आशंकाए आमादर चित्त आरा उत्कंठित हो उठे। तो यही भावे ब्रजगोपिकादेर जे सुख आत्मसुख दुखे गोपीर नाहीं का विचार आमी सुख पावा दुख पावा वो विचार नहीं एकमात्र की विचार ना कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मन व्यवहार तादे चेष्टा एकमात्र श्रीकृष्ण सुखेर सम्पादन लागे कृष्ण लागे आर सब करे परित्याग कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग कृष्ण सेवार जने तार सब किछु परित्याग करते पारे जेगुलो बोललाम सब किछु धर्म के परित्याग करते पारे। ताई एक कथा कृष्ण बोलछेन स्वयं बोलछेन हे गोपीगण एवं मदर्थ उज्जित लोक मदर्थ आमार उद्देश्य तुम्हारा की करछ उज्जित माने वर्जन करछ की वर्जन करछ लोक लौकिक आचार के वर्जन करछ वेद वेदर निर्देश के वर्जन करछ स्वानांग आत्मीय स्वजन के वर्जन करछ ही वह मई अनुवृत अबला हे अबला नारीगण ब्रज ब्रजांगनागण आमार जन तुम्हारे ये सब परित्याग करे ता सत्त्वेओ आमार प्रति तुम्हारे अनुराग वर्धित हो बोले आमी जे तुम्हें छेड़े चले गेछिलाम रासलीला केन चले गेछिलाम तुम्हारा आमार जन सब कुछ त्याग करे ता आमी केन चले गेछिलाम ना तुम्हारे अनुराग वर्धित हबे बोले आमी तुम्हारे दृष्टिर अगोचर होयेछिलाम। हे प्रियागण आमी तुम्हारे प्रिय साधने प्रवृत्त तुम्हारे कल्याण जन आमी चेष्टा करछि आमार प्रति तुम्हारा असंतुष्ट हबे ना आमी जे तुम्हारे छेड़े चले गेछिलाम आमार प्रति असंतुष्ट हबे ना। तो भगवान पक्षांतर बोलछे हे भक्त तुम्हें जखन समस्या आस तुम विपद आस आमी तुम्हें से विपद दे समस्या दे ताते तुम्हें आमार पर आर निर्भर करबे आमार निकटे आर आसबे आमाके आर गभीर स्मरण करबे ताई आमार आमार भक्त आमार काछ थेके आमार दो विपद पेओ सेटा विभ्रांत हबे ना। आर कृष्ण बोले दिएछेन एखाने तोमरा असंतुष्ट हओ ना, एइ तोमरा असंतुष्ट हओ ना। तो भगवान कृष्ण सेइ जोन्नो ब्रजगोपिकादेर जे प्रेमटा कत श्रेष्ठ भगवान कृष्ण गीताय बोलछेन जे यथामां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। आमाके जे जेभावे प्रपत्ति करबे आमि ताके सेइभावे प्रतिरूप अनुदान देब। एटा हच्छे कृष्णेर प्रतिज्ञा। कृष्ण प्रतिज्ञा स्वयं करेछेन। कृष्णेर प्रतिज्ञा एक आछे पूर्व हईते जे जैछे भजे कृष्ण तारे भजे तैछे। कृष्ण ताके सेइभावे भजना करबे। किन्तु एक जायगाय कृष्ण तार प्रतिज्ञा रक्षा करते पारेनी। कृष्ण तार प्रतिज्ञा भेगे गेछे। से प्रतिज्ञा भंग हईल गोपीर भजने। आमाके जे जेभावे भजना करबे आमी सर्वसमर्थ, आमी तार ठीक प्रतिरूप अनुदान देब। कार ऋणी हई आमी थाकबो ना। तुमि जतटा सेवा करबे ततटा फल देब, जतटा भालोबासबे तार प्रतिदान तोमाके दिए देब। आमी कार काछे ऋणी हई थाकबो ना। किन्तु से प्रतिज्ञा भंग हईल गोपीर भजने। गोपीदेर जे अनाबिल प्रेम तारा जेभावे कृष्णेर भजना करछे ताहाते प्रमाण कृष्ण श्रीमुखेर वचन। तो एई तार प्रतिज्ञा भंग हये गेछे जेटा कि कृष्ण स्वयं स्वीकार करेछेन। ब्रजगोपिकादेर काछे तिनि स्वयं स्वीकार करेछेन। जदिও আমি গীতাতে বলেছি যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজামি হাম। কিন্তু তোমাদের কাছে আমি সর্বসমর্থ। ভগবান আজকে অসমর্থ। কিসেতে অসমর্থ? না না পারে অহং নিরবদ্ধ সংযোজাং স্বসাধুকৃত বিবুধাস বিবহ। না পারে, না পারে মানে আমি পারছি না। আমি আর পারবো না, করতে পারছি না। না পারে অহং ভগবানের ডিকশনারিতে পারি না এরকম থাকতে পারে না। ভগবানের ডেফিনেশনটা আছে যে সব কিছু পারে তাকে ভগবান বলে। যদি না পারে সে ভগবান হবে কি করে? কিন্তু ভগবান নিজেই বলছেন তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখের বচন, তার শ্রীমুখের কথা। না পারে অহং নিরবদ্ধ সংযোজাং স্বসাধুকৃত বিবুধাসু বিবহ। যে তোমরা আমার প্রতি যা করেছ, जे आमी जदि ब्रह्मार आयु पर्यन्त चेष्टा करी तार प्रतिदान दिते पारबो ना। तुमरा आमार जन्य कि करेछ ना मा भजन आमार भजना करबार जन्य दुर्जय गृहशृंखला समृष्ट। तुमार दुर्जय गृहशृंखला ए गृहर बंधन के काटा बड़ कठिन। दुर्जय समृष्ट मतलब छेदन करेछ। तदव प्रतिजातु साधुनां। ताई तुम्हारे प्रतिदान देवार मतन आमार किछु नहीं। ताई तुम्हारे महिमान्वित कार्यई तुम्हारे प्रतिदान हक। तुम्हारे जे प्रेममय सेवाटाई तुम्हारे प्रतिदान। तुम्हारे प्रेममय सेवार परिवर्तन देवार मतन किछु नहीं। तो तुम्हारे सेइटाई तुम्हार साधनाटाई सिद्धि। तुम्हारे सेइ महिमान्वित जे प्रेममय सेवा सेइटाई तुम्हारे प्रतिदान हक। तो এইভাবে কৃষ্ণ নিজে স্বীকার করেছেন যে কিভাবে গোপীদের প্রেম অত শ্রেষ্ঠ, যে অত মহান। তো তবে যে দেখা যাচ্ছে গোপীরা নিজেকে সাজাচ্ছে, হ্যাঁ নিজেকে খুব করে ড্রেস করছে, শরীরকে সাজাচ্ছে। কার জন্য করছে? এটা কৃষ্ণের জন্য করছে, তাদের সুখের জন্য নয়। তবে যে দেখিয়ে গোপী নিজের দেহে প্রীত। গোপীরা যে নিজের দেহকে ভালোবাসে, গোপীরা যে নিজের দেহকে ভালোবাসে। কোথায় একটা লেখা হয়েছিল, এখানে আমি একটা কথা বলা উচিত। ও ছিল ভক্তিময় ঠাকুর বলছেন। দেখো আগে বললাম না আমাদের এগুলো সব কিছু করা ঠিক নয়, ঘর দেখা ঠিক নয়, বাড়ি দেখা ঠিক নয়, এইসব ভালো নয়, এগুলো সব কাম। কিন্তু ভক্তিময় ঠাকুর বলছেন একটা ভালো কথা, তিনি সাবধান করে দিয়েছেন আমরা যেন ভ্রমবশত মনে না করি যে দেহ ও মনের প্রয়োজনীয় কার্যকলাপগুলোকে আমাদের সেই সূত্রে বর্জন করব। তা বলে নয় যে আমরা ঘর বাড়ি দেহের কার্য সব পরিত্যাগ করে দেব, তা নয়। তা নয়, তিনি বলছে পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যদি সে কর্ম করবে তাহলে সেটা কাম হবে না, সেই ঘর বাড়ি স্ত্রী পুত্র পরিজন সব প্রেমের লক্ষ্য হবে, প্রেমের উদ্দেশ্য সাধনা করবার একটি অঙ্গ হবে। তো সে কথা কেন বলছেন, সেহত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত, এ দেহ কইলু আমি কৃষ্ণ সমর্পণ, তার ধন তার ইহা সম্ভোগ সাধন। এ দেহ আমি কৃষ্ণকে সমর্পণ করেছি, এটা তার দেহ। সনাতন গোস্বামী যখন যাচ্ছেন বৃন্দাবন থেকে পুরীতে, তো রাস্তায় সব ঘাটা হয়ে গেছে জল টল খেয়ে, তারপরে সে চিন্তা করছে আমি তো পুরী যাব, আমি তো মিলেছ জবন, তো তারপরে সেখানে জগন্নাথ দর্শন করতে পারবো না, পূজারীরা থাকবে, তার পরিকল্পনা আছে সে রথের চাকায় ঝাঁপ দিয়ে তার দেহকে ত্যাগ করবে, দেহের পতন করবে, তো ইচ্ছা করে গেছে। তো মহাপ্রভু তো অন্তর্যামী বলছেন, সনাতন রথযাত্রা কাছে এসছে, তুমি পরিকল্পনা করেছ তোমার দেহকে রথের সামনে বিসর্জন করবে, তো তোমার দেহ কোথায়, তুমি তো দেহ আমাকে অর্পণ করেছ, এটা আমার দেহ, এই দেহতে তোমার কোনো অধিকার নেই, আর তোমার এই দেহ দিয়ে আমি বহু কার্য সাধনা করব, তুমি দেহকে কী করে রথের সামনে বিসর্জন করবে। আর আত্মহত্যা করে যদি কৃষ্ণ প্রেম পাওয়া যেত তাহলে আমি লক্ষবার আত্মহত্যা করতাম, কিন্তু আত্মহত্যা করে কোনদিন কৃষ্ণ প্রেম পাওয়া যায় না। তো ভক্ত যখন ভগবানকে তার দেহ সমর্পণ করে, তার ধন তার ইহা সম্ভোগ সাধন, এই দেহটা কৃষ্ণের, তার ভোগের জন্য, আমার ভোগের জন্য নয়। এ দেহ দর্শন স্পর্শে হে কৃষ্ণ সন্তোষন, তাই দেহকে ভালো করে যত্ন করব, দেহকে সুন্দর করে রাখব, আমার দেহকে দর্শন করবে, স্পর্শ করবে, দেহ তার সেবা করবে, কৃষ্ণ সন্তোষন। তাই ভক্তরা ভগবান কাছে আসে, স্নান টান করে, ধোয়া বস্ত্র পরে, তিলক পরে, সুন্দর হয়েছে কেন না কৃষ্ণ থেকে আনন্দ পাওয়া, কত সুন্দর ভক্ত। আমরা ভগবানকে দেখে যেরকম আনন্দ পাই, ভগবানকে ভক্তকে দেখে আনন্দ পায়। তো ভক্ত নিজেকে পরিষ্কার রাখবে কৃষ্ণকে আনন্দ দেওয়ার জন্য, এই লাগি করি দেহের মার্জন ভূষণ, সেজন্য দেহের পরিষ্কার করবে। তাই এখানে আদি পুরাণ থেকে একটি উক্তি অর্জুনকে বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধৃতকে বলা হচ্ছে যে নিজ অঙ্গম অপি যা গোপ্যা মম ইতি সমুপাস্যতে, নিজ অঙ্গম হে অর্জুন যা গোপ্যা, যে গোপীরা তাদের নিজের অঙ্গ শরীর আমার ভোগ্য বলে যত্ন করে, তারা কেন শরীরকে যত্ন করে না আমার ভোগ্য কৃষ্ণের ভোগ্য, এবং সাজায়, সেই গোপিকাদের থেকে অধিক প্রিয় আমার কেউ নেই, কেননা তারা নিজেকে সাজায় কেন না ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্য, এই একটি কারণ। আর এক অদ্ভুত গোপী ভাবের স্বভাব, বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব, এই একটা বর্ণনা করা হলো গোপীরা কৃষ্ণকে আনন্দ দেওয়ার জন্য এসব করে। তো আর একটা অদ্ভুত কথা আগামীকালকে আমরা শুনব, যাতে আমরা বুঝতে পারব যে গোপীদের ভগবান কৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম, এই প্রেম কত শ্রেষ্ঠ, কত অনাবিল, কত মহিমান্বিত। গোপীরা কৃষ্ণকে আনন্দ দেওয়ার জন্য কীভাবে সব কিছু তো ত্যাগ করে, ধর্ম ত্যাগ করে, বেদ ত্যাগ করে, আর্যপথ ত্যাগ করে, মুক্তিকে ত্যাগ করে, প্রেম ক পর্যন্ত, যেই প্রেম হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য, সেই প্রেমের লক্ষণকে কালকে আমরা আজখানে শ্রবণ করব। জয় শ্রী প্রভুপাদ কি, শ্রীমদ্ শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম কি, গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল।